हाई ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर वॉचिंग लर्न बियॉन्ड प्लेटफॉर्म। चले आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में क्या करने वाले हैं तो उसकी बात हम कर लेते हैं। वी आर बेसिकली इन मैथ्स और इस मैथ्स में जिस सीरीज पे हम खड़े थे दैट इज नंबर सीरीज, जिसकी कंसेप्ट क्लास मैंने आपको बताई और उसी क्लास में हमने आपको ये बताया कि दिस नंबर सीरीज इज सेगमेंटेड इंटू सेवन पार्ट्स। ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड वन पार्ट, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर पार्ट दैट इज पार्ट टू, जिसमें हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो हमने आपको डिफरेंट सीरीज के रूप में बताया था। तो एक तो आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी आपके अपलोडेड वीडियो हैं, इधर मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी और मैथ्स नंबर सीरीज, आप वहाँ से एक फुल व्यू आप वहाँ से ले सकते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट एनी नोटिफिकेशन विल कम टू यू ऑन फ्रंट बेसिस। चले शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास, क्लास नंबर सीरीज के पार्ट टू पे आधारित है, जिसमें हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो आपके डिफरेंस सीरीज के रूप में हमने लिख बताया था। देखिए, ये डिफरेंट सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो बहुत आसान दिखता है। अगर मैं ना भी एक दो तीन चार क्वेश्चन आपको बताऊं, आप फिर भी अगर थोड़े से मैथ आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इस नंबर सीरीज में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं इस डिफरेंस सीरीज में भी, जिसमें हम बहुत क्लोज आने के बावजूद आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं और हम 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स को गंवाने के बाद हमें क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इजीली यू कैन सॉल्व, बट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स विल बी समवॉट ट्रिकी इन द सेंस कि डिफरेंट सीरीज ही है, लेकिन फिर भी उसमें आपका क्या है तो थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो बना हुआ है, दैट ट्विस्ट वी विल कम टू नो एंड हाउ टू सॉल्व दोज टाइप ऑफ नंबर सीरीज डिफरेंट सीरीज क्वेश्चन दैट आई विल लेट यू नो। चले शुरुआत करते हैं हम आपकी क्लास के पहले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन लिखा है 75, उसके बाद 84 क्वेश्चन मार्क, दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू फिल विद डिफरेंट चॉइसेस, 129 देन 165 देन 210। चॉइसेस क्या है वो आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर सीरीज की बात नहीं है जहाँ पे हम चॉइस से ही काम करते थे, डिफरेंट सीरीज की बात है। देखिए, फर्स्ट जो नंबर है वो 75 से शुरुआत हो रहा है और आखिरी का जो नंबर है वो 210 पे खत्म हो रहा है। इट मीन्स छोटे नंबर शुरुआत छोटे नंबर पे ही उसकी समाप्ति है, तो हो ना हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तो काम चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे काम किस चीज़ का चल रहा होगा, दैट इज ईदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ही काम हम करेंगे। और इस सीरीज को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से हमें देखने की जरूरत है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था ग्रेटर नंबर सीरीज, उसमें हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन निकालते थे, बट ये एक डिफरेंट सीरीज है, हमें ये मालूम चल गया, क्योंकि शुरुआत और अंत बहुत आपके सिमिलर हैं। 200, 400, 500 के अंदर हम क्या हो रहे हैं, निपट रहे हैं। इट मीन्स देर मस्ट बी समवॉट लॉजिक ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व। चले शुरुआत करते हैं हम 75 से, बढ़ के हम 84 हो गए। कितना ऐड किया, तो हमने कहा कि सर हमने 9 ऐड किया। नेक्स्ट 129 से 165 हो गए, तो दिस इज नॉट 129, आई कंसिडर दिस डिजिट एट 130, 130 बिकम 165, कितना ऐड किया हमने, तो आप बोलेंगे सर 35, बट वो 130 नहीं है, 129 है, इसका 35 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 36। 165 में कितना ऐड करूँ जो 200 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर हम क्या करेंगे तो 35 ऐड करेंगे, और ये 200 तो है नहीं, 210 है, इट मीन्स कितना ऐड किया तो 45 ऐड किया हमने। अभी आपको ये देखना है हमने आखिर क्यों 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस निकाला, हम 36 पे भी छोड़ सकते थे, बट नहीं। जब भी आप क्वेश्चन बनाए नंबर सीरीज का, पहले भी मैंने बताया है आपके कंसेप्ट में कि आप एटलीस्ट 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे, तो ही आप एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। 9 आखिर ये 36 हुआ और 45 हुआ, तो क्या आखिर काम हुआ, 9 क्या डबल होके 18 और डबल होके 36 यहाँ होता, या फिर 9 के टेबल पे 9 के बाद 18 यहाँ पर 27 वहाँ पर 36 होता। तो यही दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेसेस हैं और इस दो ब्लैंक स्पेसेस में आपको अपना क्या करना है तो लॉजिक लगाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे आपको ब्लैंक स्पेस में डाल देना है, तो 9 के बाद हम 18 डालते हैं, 18 को 36 दिख जाता है, यहाँ पे कोई डिजिट आएगा जिसके लिए यहाँ भी डिजिट आना चाहिए और जिसका डिफरेंस ये भी होना चाहिए। तो आखिर हमने क्या काम किया 9 के साथ इस फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर इस फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर वो 36 तक पहुंचा। इट मीन्स विद डन नथिंग एक्सेप्ट द मल्टीप्लीकेशन और टेबल ऑफ 9 कंटिन्यूज,
9 के बाद यहाँ 18, 18 के बाद 26 होता, फिर 36 होता, फिर 45 होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 9 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो हम आपके आंसर तक पहुँच सकते हैं, और दिस इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी जानकारी मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की है इस डिफरेंस सीरीज के क्लास में। चूंकि हम डिफरेंस सीरीज पे हैं, सीरीज हमें खत्म करना है, तो छोटा हो या बड़ा हो, कंसेप्ट हो या फिर ट्रिकी क्वेश्चन हो, हमें लेकर चलना पड़ेगा। और पहले ही मैंने बताया है कि 4 क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है, वो मैं ना भी बताऊं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा है। हमने लिखा है 173, देन 165, देन 149, देन 125, देन 93, एंड दिस क्वेश्चन मार्क प्लेस यू हैव टू फिल। 173 बिकम 165, तो यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो नंबर घट रहे हैं, इट मीन डिसेंडिंग में चल रहे हैं, इट मीन्स हो ना हो तो माइनस काम हो रहा है। देखिए माइनस को काउंट करना थोड़ा सा टफ है, इसका आंसर प्लस में हम काउंट कर लेते हैं कि 165 में कितना ऐड करें जो 173 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर 8, तो चलिए 8 हो गया। ये 150 है, कितना ऐड करूँ जो 165 पहुँच जाए, तो आप कहेंगे सर 15, और चूंकि 150 नहीं है तो 16। फिर क्या करें तो 125 कितना ऐड करूं जो 150 हो जाए, तो आप कहेंगे 25, बट ये 150 तो है नहीं, इसका आंसर कितना तो 24। फिर यहां पे क्या हमने किया है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है फाइंड आउट करना। ऑलरेडी आपने 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस निकाल लिया है, 8 बिकम 16 एंड 16 बिकम 24। देखिए हमने क्यों आखिर 24 निकाला है, तो 8 बिकम 16 तो ये हो सकता है। फिर अगर हम नहीं निकालते तो हमें यह भी लग सकता था कि चाहे तो ये 24 होगा या फिर 32 होता। क्यों? तो 8 का टेबल में अगर हम चलते तो 8 के बाद 16, 16 के बाद 24। अगर डबल डबल होता, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, तो आखिर इस दोनों में से क्या है? फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट्स, और डिफरेंस के बाद हमें मालूम चला है कि ये जो है वो 8 के टेबल में है, इसका आंसर यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। 8 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 8 के बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 34, 32 वो ये होगा ही होगा, वेस्टेज आप नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे तो 40। देखिए अब ऐसा नहीं कि आपकी जो आंसर होगी वो आप 93 में 40 आप ऐड कर देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि बनाने के क्रम में हम क्या होते हैं कि थोड़ा से फास्ट चलने में कि हमने डिफरेंस निकाला और फटाफट क्या करते हैं तो ऐड कर देते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, तो ये नंबर घट रहे हैं, इस कहां से 93 में से 40 आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? जब आप माइनस करेंगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 53। तो 53 आप उस आंसर तक लेके पहुंच सकते हैं, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब डिसेंडिंग में चल रहा है। क्लियर? आई होप कि ये तो आसान से क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, अच्छा लगेगा, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th and 6th विल बी थोड़े बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, तो पूरे वीडियो को आप देखते रहें अंत तक, तो ही आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा डिफरेंस सीरीज में भी। तो जब भी डिफरेंस सीरीज आप बनाएंगे तो उस सोच को भी आपको लेके चलना है, और कोई सा भी सोच काम करे उस मोमेंट में आपके पास से आंसर निकल के आना चाहिए ऑप्शन के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3rd क्वेश्चन इज 738, देन बिकम 160, देन बिकम 546, देन बिकम 514, देन बिकम 498, देन क्वेश्चन मार्क। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए 738 है, यहाँ पे कितना हो गया 610 हो गया। अगर हम कितना घटा रहे हैं, चूंकि बड़े डिजिट है इतनी आसानी से नहीं होता है, इसका आंसर हम क्या करते हैं तो रफ कॉपी पर लिखते हैं कि 738 माइनस 610, यहाँ पे हमने 8 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, फिर वहाँ पे 128 लिखने की काम करते हैं। डोंट डू दिस। जितना आप कम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जितना कम रफ वर्क आप अपने एग्जामिनेशन में अपने पैड पे करेंगे, है ना, जो भी आपको स्केच पेन या रुमाल दिए जाते हैं, उतना कम समय और उतना गलती होने के चांसेस आपके कम होते हैं। इस कारण से ये काम एग्जामिनेशन में करने की जरूरत नहीं है। दिस कॉन्फिडेंस एंड दिस प्रैक्टिस यू हैव टू बिल्डअप, वो तो करना पड़ेगा साहब। देखें
सिक्स घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं भी मानता हूँ, बट 610 में अगर 100 आप ऐड किए हुए होते, कंसिडर कीजिए। देखिए शुरुआत में तो चूँकि हमें प्रैक्टिस क्या है तो रफ पेपर पर करने की ज़्यादा आदत है, इस कारण से हम करके एश्योर्ड होना चाहते हैं कि कितना लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा आपको स्मार्ट ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। 610 में अगर हम 100 ऐड किए होते तो 710 हमें दिखता, तो 710 से कितना आगे है, तो आप कहेंगे सर 18 आगे है, तो 18 आगे है तो कितना ऐड हुआ, दिस बिकम 28 आ रहे हैं, दिस बिकम 128। फिर 546 बढ़ के 610 हो गया, तो आप कंसीडर करें कि साहब ये 546 बढ़ के 600 हो गया, तो कितना ऐड किया है, वही आपको काम करना है, है तो 60 और 4 कितना, तो 64। फिर 514 में कितना ऐड करूं, जो यहाँ से 4 हटा दीजिए, यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, है ना, तो 550 के राउंड हो जाएगा, ये 510 के राउंड हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 32। बस तीन डिजिट आपके पास आ गए, काम खत्म हो गया। आपको ये मालूम हो रहा है कि 128 का हाफ 64, का हाफ 32, का हाफ यहाँ होता और उसका हाफ यहाँ होता, दैट इज 16 का हाफ, दैट इज 8। क्या हमें इस रूप में लिखना है, 508 का हमें ऑप्शन में ढूंढना है या कोई और ऑप्शन में ढूंढना है। बनाने के क्रम में गलती भी यहीं पे होती है कि 8 तो हम बहुत जल्दी आसानी से ले आए, 498 में हम 8 ऐड कर देते हैं और 508 आपके ऑप्शन नंबर पहला में ही दिखता है, बट वहाँ पे देखिएगा कि ये डिजिट से ये डिजिट कम हुआ, उससे ये कम हुआ, फिर से कम हुआ, फिर से कम हो गया, इट मीन्स दिस इज इन माइनस। ये सब क्या थे, तो माइनस में थे, तो जब आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट 490। तो दिस इज करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। तो यहां तक पहुंचने के बावजूद सम व्हाट सम टाइम्स हम 508 पे टिक मार्क देते हैं, जो आज के बाद संभवतः आपको नहीं करना है। नंबर सीरीज बनाने में जल्दीबाजी होती है, मैं भी मानता हूं, डिफरेंस सीरीज दिखा, फटाफट डिफरेंस मिला और हमें आदत है चुकी एडिशन का, एडिशन हम धड़ल्ले से कर ले चलते हैं, थोड़ा सा आराम से, 2 सेकंड ज़्यादा ही लगे बट एक्यूरेसी आपके पास हो, दिस मोटो यू हैव टू बिल्ड अप इन योर एग्जामिनेशन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th पे, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और वो क्वेश्चन है क्या। जब तक ये सीरीज वाले वीडियो चल रहे हैं उस समय तक बने रहें, एक बार सीरीज खत्म हो गया कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप छुएंगे, संभवतः अगर नहीं बने तो आप आंसर देख के उसे बनाइए, है ना, बट वंस यू हैव गॉन थ्रू 200-300 क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज, एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्डअप होगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 138 बिकम 179 बिकम 261 बिकम 425 बिकम 753 क्वेश्चन मार्क आपके पास लिखा हुआ है। इसके आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर है 14, ऑप्शन लिख देता हूँ 1401, 1405, 1409, 1501 और पांचवा छोड़ देता हूँ। क्लियर, चलते हैं। 138 बढ़ के 179 हो गया, कितना ऐड करिए किया हमने, 138 में 38 और 8 कितना, तो आप कहेंगे 241। फिर से 179 बढ़ के 261 हो गया, कितना, तो आप कहेंगे सर 82। 261 बढ़ के 425 हो गया, तो कितना हुआ, 261 बिकम 425, 4 में से 1 गया आपका, 5 में से 1 गया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 1, बस 3 डिजिट का डिफरेंस आपको मिल गया। आपको ये भी मालूम चल गया कि 41 बिकम 82, 82 बिकम 164, फिर क्या होगा 328 और फिर क्या होगा 656। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 656 आपने अगर लिखा होता तो आप सही स्थान पे पहुँचे होते। और देखें चूंकि हमें बड़े डिजिट है तो यूनिट डिजिट से काम करते हैं, 6 में 3 ऐड किया कितना 9, तो 9 वाले ऑप्शन को आप टिक लगा दें क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं है या फिर नन ऑफ दिस नहीं है। क्लियर, इस कारण से हम 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या ये 41 के टेबल में है या 41 का डबल, उसका डबल, फिर उसका डबल, उसका डबल। तो उसका डबल जब हमने किया यहाँ पे 328 होता, 328 का डबल 656 होता, फिर हमने 6 और 3 को ऐड करके देखा कितना हुआ, तो 9 हुआ। ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे 9, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में अगर 9 होते देन वी हैव नो ऑप्शन अनलेस नल्टी वी आर नॉट एडिंग दिस सिक्स बिकम 6 एडेड टू 3 दैट इज 9, देन 5 प्लस 5
दैट इज 10, 6, 6, 12, 13 एंड 1, 14. तो ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके नंबर सीरीज के. आई होप कि यहां तक तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. अभी दो क्वेश्चन में बनाने वाला हूं. इस दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कंसेप्ट के हिसाब से, डिफरेंस सीरीज के कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. आसान सा लगता है, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर होते हैं, बट वो छोटा नंबर भी है ना कभी कभी बहुत घातक हो जाता है. हमें आसान से लगता है, अरे ठीक है 10 से 12 से शुरुआत हो गया, 80 90 पे ख़त्म हो गया, बन तो जाएगा ही, लेकिन बनते बनते अटक जाता है और फिर मोरल डाउन हो जाता है कि अरे यार ये क्वेश्चन बना नहीं, 2 मिनट और हमारे पास होते तो कम से कम एग्जामिनेशन में प्री में हो या मेंस में हो 1 मार्क्स तो जरूर आ गए होते. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे. कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3, 3, 7, 3, 4, 4, 3, 6, 3, 4, 0, 2 एंड 4, 6, 9 एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, यहां पे 3, 3, 7 को कितना ऐड करूं कि 344 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 7. 344 में कितना ऐड करूं जो 363 हो जाए, तो आप कहेंगे सर कितना ऐड करूं, तो आप कहेंगे 19. क्लियर. फिर 363 में कितना ऐड करूं जो 402 हो जाए, तो दिस बिकम 9 एंड दिस इज 3. क्लियर, 39. फिर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है कि 7 हो गया, 19 हो गया, 39 हो गया, अभी तक कोई सुर और ताल तो मिल नहीं रहा है. 7 के अगर टेबल में चलता या फिर प्राइम नंबर में ही चलता, इवन नंबर में ही चलता, ऑड नंबर में भी चलता, तो भी हम देख सकते थे. जब यहाँ तक हमें कोई लॉजिक नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ ढूंढने के काम करते हैं कि चलो इसका भी नंबर हम डिफरेंस निकाल कर देखते हैं. जब डिफरेंस निकालेंगे तो 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 7. ठीक है, 6 में से 0 जाएगा कितना, तो 6. कुछ नहीं मालूम चल रहा है. डोंट स्टॉप देयर ओनली एंड स्टार्ट फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस. यहां पे कितना मिला 12 और यहां पे कितना मिला 20, फिर यहां पे कितना मिला आपको 28. तो ये हमें एक सुर और ताल में बता रहा है कि 12 में अगर 8 ऐड किया तो 20 हुआ, 20 में अगर 8 ऐड किया तो 28 हुआ. मतलब कि 7 प्लस 12 कितना प्रोडक्ट दिया आपको 19 दिया, 19 प्लस 20 कितना प्रोडक्ट दिया आपको 39 दिया, 39 प्लस 28 प्रोडक्ट कितना दिया 67 दिया. आखिर 67 में साहब क्या ऐड करूं कि ये प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप कहेंगे कि 12, 8, 20, 8, 28 और इसमें अगर हम 8 ऐड करें तो 36 होगा, और 67 में 36 को अगर हम ऐड करें तो 6, 6, 12 और 1, 13 हो गया, 6, 3, 9 और 1, 10 हो गया, मतलब 103. योर आंसर विल बी 469 प्लस 103 कितना होगा, तो देखें 9 प्लस 3 2, 6 एंड 1 7, 5 4 एंड 5 572. दिस विल बी द आंसर व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस एंड फ्रॉम अगेन यू फाइंड अ डिफरेंस. दिस इज डबल डिफरेंस सीरीज. लेकिन क्या यही एक रास्ता है एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? आंसर इज नो. देयर इज अल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो. दैट अल्टरनेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट. अगर वो नहीं लगा तो ये लगाए, ये नहीं लगा तो वो लगाए, जैसे बने आसानी से आपको बनना चाहिए, कम समय में बनना चाहिए. देखिए जब भी आप डिफरेंस का डिफरेंस आपको मालूम चल रहा है कि डबल डिफरेंस के सीरीज के अराउंड ये खड़ा है, तो इस डिफरेंस का आप स्क्वायर के रूप में देख के चलें कि आखिर 7 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए. तो 7 आप कहेंगे सर 2 के स्क्वायर के नज़दीक है और 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, लेकिन जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे दैट बिकम 9, तो नंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए. क्लियर. जैसे 19 को हम लेंगे तो 19 के लिए 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो हम एक्सीड वैल्यू नहीं ले सकते हैं, है ना, 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर बिकम 25, तो आपको 4 ही कंसिडर करना पड़ेगा. तो 7 को हमने लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हम लेते हैं और बोलते हैं कि साहब 7 तक पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 3. 19 हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि सर 4 का स्क्वायर है प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 3. 39 हमें लेते हैं तो हम कहते हैं सर 6 का स्क्वायर करीब है और 39 तक पहुंचने के कितना ऐड करना पड़ा 3. अभी हमें नहीं पता था कि यहाँ पे 67 था, या था भी
तो चले हमें कितना मिला, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू हमें मिसिंग था। तो जब आपको ये मिल गया कि 2, 4, 6, 8, ये कितना होगा 10 का स्क्वायर, एडिशन 3, 3, 3, 3, तो ये भी कितना होगा 3, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 दैट बिकम 103। तो इस छोर से भी हम 103 निकालते हैं और स्क्वायर के रूप में भी हम 103 निकाल सकते हैं, ऐड करें 572 इज द आंसर। तो दे आर बेसिकली टू मेथड ऑफ सॉल्विंग डबल डिफरेंस सीरीज, एक तो मैंने डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के आपको बताया और दूसरा स्क्वायर के नज़दीक लेके ले आके आपको मैंने बताया। यहाँ पहले एक बार फटाफट आप इस क्वेश्चन को लिख लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में बेसिकली, है ना। अभी आने वाली आप एग्जामिनेशन आपकी मेंस की ही है तो उसके लिए ही आप प्रिपेयर हो रहे हैं, प्री में भी आ सकता है, आरबीआई आने वाले असिस्टेंट की आपकी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर सीरीज तो हर एक एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है छठे क्वेश्चन के रूप में, 185 बिकम 191 बिकम 211 बिकम 253 क्वेश्चन मार्क एंड देन 3, 4, 3, 5। 185 कितना ऐड करूं तो आप कहेंगे सर 6 ऐड किया हमने, 191 में कितना ऐड करूं तो आप कहेंगे 20 ऐड किया सर, 211 में कितना ऐड करूं तो आप कहेंगे 253 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमने लगभग 42 ऐड किया है, उसके बाद का डिजिट आपके पास यहाँ पे नहीं है। फिर आप क्या करते हैं डबल डिफरेंस के आधार पर जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं 14 और यहाँ पे बोलते हैं 22। तो यहाँ फिर से मिल रहा है कि 14 में कितना ऐड किया, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 8 ऐड किया। तो क्या यहाँ पे सर्टेन लॉजिक है क्या कि 8 ही ऐड हुआ हो 10 नहीं हुआ हो, नहीं है ना। इस कारण से एक तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमेशा 8 ऐड होगा तो यहाँ पे कितना होगा 30, ऐसे आधार पे वो बढ़ता चला जाएगा। बट देखिए यहाँ पे किसके स्क्वायर के, मैंने बताया कि डबल डिफरेंस होगा तो स्क्वायर के अराउंड आप देखेंगे तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर है और प्लस कितना 2, यहाँ पे कितना है 20 के लिए तो 4 का स्क्वायर है प्लस कितना तो 4, यहाँ पे कितना तो 6 का स्क्वायर है प्लस कितना 6। तो ये तीन हमारे पास लॉजिक सही आ गई, 2, 4 और 6, तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर, ऐड कितना होगा 2, 4, 6 मीन्स व्हाट 8, क्लियर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 8 मीन्स व्हाट 72, जो इस ओर से भी हमें आ रहा था कि 42 में 30 अगर ऐड कर देते तो भी 72 आता और स्क्वायर के रूप में भी लिया तो भी हमारे पास कितना आया 72 आया। तो 72 अगर आप ऐड कर दें इसमें कितना आएगा तो 2 और 3, 5, 7 और 5, 12, 2 और 1, 3, 325 विल बी योर करेक्ट आंसर। इस हिसाब से आपको नंबर सीरीज सॉल्व करना है, डिफरेंस सीरीज की बात मैंने बताई है, तो आज के बाद आप डिफरेंस सीरीज से कोई भी क्वेश्चन और ग्रेटर नंबर सीरीज से कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन आए आप आसानी से वीडियो तक पहुँच सकते हैं। हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स के साथ आपके मिलने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जहाँ तक मेंस की आपकी बात है तो करंट अफेयर्स के भी हम मिलेंगे। हमारी बैंकिंग अवेयरनेस तो जा रही है, नंबर सीरीज के भी आने वाले समय में हम पार्ट देखने वाले हैं कि आपके स्क्वायर क्या हैं, 712 या 2460 या फिर 4800 वाले सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तब तक के लिए इतनी बात हम आपके साथ इस क्लास में रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।